से चालू हो जाए ज्यादा इफेक्टिव वे से हम लोग कर पाए. ओके, होप फॉर द बेस्ट एंड डोंट पैनिक, कोई टेंशन मत लेना भाई. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे पता है, जो अपना वो जर्नल एंट्री वाला पार्ट मैंने चालू किया है वो थोड़ा आपको बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन आते रहेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे समझो 40 या 45 लोग जो बैठे हैं उसमें से गिन चुन के 5 जन को या 7 जन को, मैं जानता हूँ भाई 7 या 10 जन को आता रहेगा, मैक्सिमम साइड पे बोल रहा हूँ 10 जन को आता रहेगा. ओके, बाकी 30 रेस्ट ऑफ द 30% और 30 पीपल्स आर सिटिंग एंड लिसनिंग द लेक्चर. यहाँ ठीक है साला पका लाइट आ रहा है. ये दो बुक है, ड्रॉवर का बुक और ये है ड्रॉवी का बुक. ओके, आ रहा है लाइट प्लीज गाइस. अब बरोबर दिख रहा है ना, अभी बरोबर दिख रहा है, लाइट बंद हो गया देखो प्लीज. यस नाउ इट इज परफेक्ट. थैंक यू, थैंक यू कोमल, शालिनी एंड अकेला, थैंक यू. वो लोग बाहर से लाइट बंद कर रहे इसलिए समझ के. ओके, सो यस प्लीज, हम लोग का दो बुक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग. ओके, हम लोग को दो तरीके से सोचना है, एक मेरे तरीके से और एक सुमित के तरीके से. अपना मैं एग्जांपल ही कैरी कर रहा हूँ. वन, एक मेरा बुक बन रहा है संदीप के बुक में और एक सुमित के बुक में. ओके, मेरे हिसाब से सबसे पहले प्लीज, मैं प्लीज, मुझे पता है थोड़ा इरिटेशन होगा मगर मैं सब एंट्रिया रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ सकता हूँ. ओके, तो हम लोग सब एंट्रिया रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, भले एक या दो क्वेश्चन हो अभी वो चैप्टर को टाइम नहीं लगेगा वंस द ये जनरल एंट्री आप लोग समझ गए. सबसे पहला एंट्री आएगा सेल और परचेस, ड्रॉवर के लिए सेल और इसके लिए परचेस, सेल और परचेस. ओके, सेल का एंट्री क्या आएगा प्लीज, सेल्स का एंट्री अगर कैश में माल भेजा है, कैश में तो ऑब्वियसली कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक मतलब पैसा आया, टू गुड्स गया मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट. बरोबर है, पैसा मैंने माल बेचा, पैसा आया माल गया, पैसा आया इसलिए कैश डेबिट. ओके, और सेल्स क्रेडिट गुड्स गया, यहाँ पे गुड्स आया, गुड्स की जगह पे हम लोग परचेस लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, सॉरी टू कैश अकाउंट, पैसा आएगा या फिर बैंक जाएगा. ओके, समझ में आया आप लोगों को प्लीज. ओके, उसके बाद उधारी वाला एंट्री, उधारी का क्रेडिट का सेल्स, क्रेडिट का सेल्स, उधारी का सेल्स, कैशबैक की जगह पे अपन ड्रॉवी का नाम लिखते हैं, जिसको बेचा उसका नाम, किसको बेचा है भाई, ड्रॉवी को ही बेचा है. बरोबर ना, किसको बेचा है माल. ओके, गुड सोल्ड टू अमित, तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित इज द रिसीवर टू सेल्स, अभी किसको बेचा है ड्रॉवी को, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे जिससे खरीदा है Purchases account debit to drawer account. Purchases account debit to drawer account. Okay, purchases account debit to drawer. Have you understood, guys? Okay, purchases account debit to drawer. ये दो एंट्री तो समझ में आया ना भाई, 100% समझ में आया कि नहीं. मैं आते ही आप लोग को पूछूंगा सेल्स का एंट्री, परचेज और सेल्स का एंट्री प्लीज. बहुत ही, मैं फिर से जो लोग पहले नहीं बैठे उसके लिए भी मैं फिर से, मैं एक मिनट टाइम लग जाता हूं.
चलो सो ये हो गया, ये दो एंट्री तो समझा ना। देखो प्लीज, अगर कैश में माल बेचा तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स गुड्स जाएगा, और सुमित के लिए गुड्स आएगा पैसा जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। चलो अभी ये इधर तक तो ठीक था, जैसे ही उधारी में माल बेचा मेरे को प्रॉब्लम आ गया भाई। उधारी में माल बेचा है मैंने सुमित को उधारी में माल बेचा है तो मेरे को टेंशन आ गया भाई कि शायद सुमित पैसा देगा कि नहीं देगा, सुमित पैसा देगा कि नहीं देगा, तो मेरे को टेंशन आ गया। तो मैंने सुमित को फोन किया कि भाई सुमित एक काम कर, तूने उधारी में माल खरीदा है, तूने बोला है कि 2 महीने बाद तू देगा पैसा। मैं बोलता हूँ ठीक है 2 महीने नहीं 3 महीने बाद देना भाई, सुमित को बोला कि 2 नहीं 3 महीने बाद देना। अपन एक काम करते बिल बना लेते हैं। तो मैंने और सुमित ने एक बिल बनाया, मैंने उसमें लिख दिया भाई सुमित तू मेरे को ये दिन आके पैसा दे देगा। ओके, सुमित ने बोला ओके सर दे दूंगा पैसा। मैं बोला चल साइन कर, तो मैंने लिखा है ये मेरा साइन और यहाँ पे सुमित ने साइन किया। बरोबर, ये बिल बनने का एंट्री अभी आएगा। ये एंट्री नंबर 1 था सेल का, एंट्री नंबर 2 है ड्रॉन, मैं ड्रॉ कर रहा हूं मतलब ड्रॉ किया, और ये क्या है एक्सेप्टेड, ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड। चलो बिल बनाने का एंट्री क्या आएगा, जैसे ही मैं बिल बनाऊंगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे पास क्या पैसा आएगा नहीं, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आएगा। और ये मेरे को फोन देगा पता है क्या, ड्रॉवी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अमित, अमित से पैसा मिला। हम लोग एंट्री क्या मारते हैं, अमित से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, बरोबर ना, कैश अमित से पैसा मिला, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, किससे मिला भाई अमित से। उसी तरह बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे मिला ड्रॉवी से, ड्रॉवी ने साइन करके दिया, सुमित ने साइन करके दिया। उसी तरह सुमित क्या एंट्री मारेगा, सुमित उल्टा, सुमित ने तो ये सुमित सुमित ने सुमित के लिए, सुमित अगर मेरे लिए रिसीव्ड है तो सुमित के लिए पेड है, तो सुमित ने तो दिया ना, तो बिल जाएगा उसके पास से, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट आएगा। और डेबिट क्या आएगा पता है क्या, डेबिट ड्रॉवर, किसको दिया भाई, ड्रॉवर को, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्या आएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। हैव यू अंडरस्टूड गाइस प्रॉपरली, प्लीज प्लीज बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ो एक बार प्लीज, तीनों एंट्री, कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। चलो
प्लीज पढ़ लिया क्या? मैं रब करूं, मैं लिख के समझा रहा हूं, रब कर रहा हूं, रब करूं ना दोस्त? प्लीज अभी जैसे ही बिल बन गया तो मेरे पास चार ऑप्शन है, चाहे मैं इसको रिटेन करूं। ओके, या तो मैं इसको डिस्काउंट करूं, और या तो मैं इसको क्या करूं, इंडोर्स। और लास्ट एक है वो बाद में देखते हैं, इंडोर्स। तीन ऑप्शन पहले देख लेते हैं। चलो मैंने घर पे जाके बिल रखा, तो बिल रखने का मैं तो कोई एंट्री नहीं मारने का, और क्या ये कोई एंट्री मारेगा? नहीं, ये भी कोई एंट्री नहीं मारेगा। इसको कोई लेना देना नहीं है, मैं ये बिल का कुछ भी करूं, रिटेन बिल का कोई एंट्री नहीं आएगा, रिटेन बिल ए का कोई एंट्री नहीं। अभी ये बिल 3 महीना रख दिया और ये बिल ऑनर्ड हुआ। ऑनर्ड का मतलब समझ ना, ऑनर्ड ऑन ड्यू डे, ऑनर्ड का मीनिंग समझ रहे हो ना? ऑनर्ड का मतलब समझते हो ना? ऑनर्ड मतलब बिल पेड हुआ। ऑनर मतलब क्या? बिल पेड हुआ। ऑनर का मतलब क्या? बिल पेड हुआ। कभी पेड हुआ? कभी पेड हुआ? ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन बिल पेड हुआ। चलो ड्यू डेट के दिन पेड हुआ, ड्यू डेट के दिन पेड हुआ, तो एंट्री क्या आएगा? चलो मेरे पास पैसा आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ड्यू डेट के दिन पैसा देगा मुझे सुपीर, और मैं उसको दे दूंगा बिल से सीधे पहले के लिए, पहले के जाने वाले फाड़ के फेंक, अभी तो कुछ भी कर। ओके, और ये इसके पास क्या है? इसके पास से पैसा जाएगा और बिल आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बरोबर के नहीं भाई? प्लीज समझा ना ये ऑप्शन। ड्यू डेट के दिन मेरे पास पैसा आएगा, बिल चला जाएगा, क्योंकि उसको बिल दूंगा तभी वो पैसा देगा, वरना पैसा खाली पैसा नहीं देगा वो, क्योंकि बिल अगर मेरे पास रहेगा तो मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ। पैसा लेने के बाद भी बिल लेगा वो और पैसा देगा, तो मैं बिल देगा पैसा आएगा, पैसा आया बिल गया। इसके पास क्या होगा भाई? बिल आया पैसा गया, बिल आया पैसा गया। समझ में आया क्या भाई? ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। मैंने मेरे पास रखा 3 महीना और उसके बाद समझा ना भाई? मुंह हिलाओगे तो भी पता चलेगा। ओके, क्योंकि स्क्रीन इसलिए चालू रखा है मैंने, सब लोग दिख रहे हैं, बाकी ठीक है। ये आलिशा गरात वो सब लोग वीडियो चालू नहीं करेंगे, गायत्री, मयंक गुप्ता, प्रणव मुल्क, पूनम भंडारी, सोनल, सुमित यादव, स्नेहा, वो सब लोग को क्या है, एक एक को नाम से बुलाना पड़ता है ना। राजवी, बेटा राजवी तू भी नहीं समझेगी, अभी एक दो जन ऐसा बोल देंगे कैमरे में प्रॉब्लम है। सलाह, तुम लोग का पूरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है मगर कैमरे में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो मेरे को पता है, क्योंकि सेल्फी तो तुम मोबाइल से ही लेते हो ना बेटा, इंस्टा, स्नैपचैट। एक मिनट,
हेलो यस कहाँ से? हाँ बोलो ना। मैंने बिल डिस्काउंट किया तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, बैंक वाले पैसा नहीं देंगे, कैशबैक अकाउंट डेबिट, मगर बैंक वाला 9000 ही देगा, पैसा आएगा और एक चीज जाएगा क्या, बिल रिसीवेबल चला जाएगा मेरे पास से, बैंक वाला ले लेगा, बिल रिसीवेबल बैंक ले लेगा, मगर बिल रिसीवेबल 10000 का ले लेगा भाई, डेबिट 10000 क्रेडिट 9000। अपना रूल था के डबल एंट्री सिस्टम, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू इफेक्ट, मतलब दो इफेक्ट, वन इज अ डेबिट एंड वन इज अ क्रेडिट, एंड बोथ द इफेक्ट सेम अमाउंट होगा, डेबिट भी सेम क्रेडिट भी सेम, इधर किधर सेम हो रहा है, डेबिट 9000 और क्रेडिट 10000, तो 1000 बीच में क्या हो गया पता है क्या, डिस्काउंट, पैसा गया मेरा, खर्चा है डिस्काउंट भाई मेरा, मेरे को 1000 का खर्चा लगा, मेरे को 1000 का क्या लगा, खर्चा लगा, क्या लगा, खर्चा लगा, मेरे को 1000 का क्या लगा, खर्चा, ओके, कैशबैक अकाउंट डेबिट 9000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000, बिल रिसीवेबल 10000, और मैंने इस बिल को डिस्काउंट कराया, इसको क्या लेना देना है, मैं चाहे डिस्काउंट कराऊ, मैं चाहे घर पे रखू और मैं चाहे इंडोर्स करूं, ये तो कोई एंट्री नहीं मानने वाला भाई, सुमित को कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं देखो पहला ए पार्ट कुछ नहीं आएगा, सुमित में ए पार्ट कुछ नहीं आएगा, ए पार्ट नो एंट्री, ए पार्ट नो एंट्री, ए पार्ट नो एंट्री, मैं कुछ भी करूं एक बार साइन करने के बाद घर पे लेके जाकर फाड़ दूं, मेरे को सुमित कुछ नहीं बोल सकता। अब देखो भाई ये बिल ऑनर हुआ, अब सुमित के घर पे कौन जाने वाला है भाई ड्यू डेट के दिन, मैंने बिल बनने के बाद डिस्काउंट करा दिया बैंक के पास, सुमित के घर पे ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा सुमित के घर पे भाई, सुमित के घर पे कौन जाएगा, बैंक जाएगी, मेरे को कोई पैसा मिलेगा ड्रॉवर को, ड्रॉवर को एक फूटी बॉडी मिलेगी, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नो एंट्री, ओके, क्योंकि मुझे तो मेरे पैसे मिल चुके भाई, मुझे मेरे पैसे बैंक के पास से मिल चुके और बैंक बिल लेके गया, अब मेरे पास मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, आप समझे क्या, और सुमित के पास बैंक जाएगा ड्यू डेट के दिन, ऑनर ड्यू डेट के दिन होता है, ड्यू डेट के दिन अगर सुमित के पास पैसा ले जाएगा, सुमित के पास पैसा ले जाएगा, सुमित के पास क्या आएगा, बिल्स पेएबल आएगा और कैश बैंक जाएगा, सेम एंट्री है सुमित के बुक में, सेम ही एंट्री आता है, ये देखो इधर भी बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, आप समझे क्या, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, आप लोग को समझा, अभी ये बिल तीसरा ऑप्शन, मेरे और सुमित के बीच में बिल बना, मेरे और सुमित के बीच में बिल बना, मैंने इस बिल को क्या कर दिया, दूसरे ही दिन इंडोर्स कर दिया, राम सर को दे दिया, इंडोर्स किया, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट जिसको दिया, राम सर को दिया, राम सर को ने इंडोर्सी, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और सामने क्या आएगा, नो एंट्री, सामने क्या आएगा, नो एंट्री, कुछ भी करना भाई तो किसी को भी दे, नो नो एंट्री, अब ये बिल का भी डेट आ गया, ऑर्डर हुआ, मुझे बोलो मैं जाऊंगा क्या पैसा लेने सुमित के पास, सुमित के पास कौन जाएगा पैसा लेने, इंडोर्स बिल में राम सर जाएंगे इंडोर्स ही, और मेरे पास तो कोई पैसा नहीं आने वाला है, नो एंट्री, और इसके पास ये तो राम सर को पैसा देगा तो एक ही एंट्री आएगा, इसके पास राम सर इसको बिल दे देगा, इस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ओनर का देखो इसके पास एक ही एंट्री है, बिल पेबल टू कैश बैंक, 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 आपको समझाइए बोर्ड प्लीज, हाँ या ना, ओके, चलो आगे, लास्ट ऑप्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, छठा एंट्री, बिल सेंड टू बैंक
फॉर कलेक्शन। चलो ए पार्ट तो बताइए मेरे को, इधर नो एंट्री आएगा, मैं कुछ भी करूं, इसको भी भेजू नो एंट्री, इसको भी भेजू नो एंट्री, चाहे इस बिल किसी को भी दू फाड़ दू फेंक दू नो एंट्री। इधर किसको भेजा, बैंक को भेजा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। टू बिल गया ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया क्या आप लोग को? ओके, और सामने ये तो नो एंट्री मारेगा, सुमित को क्या लेना देते हैं? अभी ये बिल ऑनर्ड हुआ, मुझे बोलो इस बार मेरे को पैसा मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बैंक को खाली क्या भेजा है मालूम है क्या, कलेक्शन करने के लिए भेजा है, तो मेरे पास पैसा आएगा, सुमित पैसा देगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, मगर कितना आएगा मालूम है, 9,900। और बिल तो मेरे को ये पैसा देगा कौन, बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन 10,000, मेरे को ये पैसा बैंक देगी इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन आएगा। बिल तो ऑलरेडी चला गया पीछे, क्रेडिट द गिवर, किसने दिया, बैंक ने, मगर 10,000 लेना था, दिया कितना 9,900, तो बीच में आया ना वो है बैंक चार्जेस, डेबिट खर्चा हुआ मेरे को, खर्चा डेबिट ही होता है। और सामने ये तो एक ही एंट्री मारेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। प्लीज हैव यू अंडरस्टूड दिस, बैंक फॉर कलेक्शन बिल भेजा था, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, जिसको देखो बैंक को इंडोर्स को भेजा तो इंडोर्स ही अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक को भेजा तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और इधर तो नो एंट्री आता है, ओनर का इस बार एंट्री आएगा, क्या एंट्री आएगा, पैसा आया मगर कम आया, क्यों आया, क्योंकि 100 रुपया चार्ज लगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इधर तो सेम ही आता है, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक। प्लीज ये देख लो एक बार प्लीज, कल भी दो क्वेश्चन किए, अंडरस्टूड, प्लीज फिर से वो पहले दो क्वेश्चन करने के, तीसरे क्वेश्चन से चालू करें चलेगा, प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो भाई। थर्ड क्वेश्चन से, ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू मैडम, थैंकू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भाई, सेकंड किया था ना हम लोग ने, ओके Okay, we'll start from third only. Thank you. चलो please question पढ़ो एक बार please आप लोग।
चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ा गया। राम ड्रोज ऑन रहीम अ बिल फॉर 2 months ऑन 10 जुलाई। राम ड्रोज जैसे ही राम ड्रोज आया अपन ना क्या करेंगे भाई, अपन ये हाईलाइट कर देंगे राम, और राम कौन है भाई, ड्रोवर, राम ड्रोवर है। राम ड्रोज ऑन रहीम अ बिल फॉर 2 months 10th July 2013 for 3000. Rahim accepted the same. Ram endorsed the same bill to the Shyam, who is the creditor on the due date. Rahim accepted the bill. Ram draws on Rahim. So Rahim कौन है भाई? Drawi. Ravi कौन है भाई? Rahim Drawi. Drawer है Ram. Rahim है Drawi. चलो सबसे पहला उसने क्या किया? Draw किया bill. तो सबसे पहला एंट्री तो आएगा ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का, ड्रॉन DNA, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एक एंट्री आएगा। उसके बाद सेम बिल उसने क्या किया, इंडोर्स, दूसरा एंट्री आएगा इंडोर्स। और उसके बाद लास्ट में क्या बोलता है, लास्ट में बोलता है ये बिल क्या हो गया, ऑनर्ड। तो 3 एंट्री आएगा टोटल, एक सबसे पहले ड्रॉ एक्सेप्ट, फिर इंडोर्स किया और फिर ऑनर्ड किया। इस बार ड्रॉन एक्सेप्टेड करके उसने तीसरा ऑप्शन चुना। उसने कौन सा ऑप्शन चुना? तीसरा। तीसरा कौन सा भाई? प्लीज अभी मैं फोटो खींचता हूं, एक मिनट मैं फोटो खींच के आपको ये भेजता हूं। एक मिनट, आंसर भेजता हूं प्लीज। प्लीज आंसर देखो प्लीज। ओके, इन द बुक्स ऑफ राम, ओके ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ रहीम ड्रॉई, सबसे पहला एंट्री आएगा ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का। ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का क्या आएगा? सबसे पहला जुलाई 10 को बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का हम लोग क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल आपको पता है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड पे। और दूसरा क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी ना, ड्रॉवी कौन है, रहीम, सामने रहीम ही लिखा है, देखो रहीम बीइंग बिल ड्रॉन, और सामने एंट्री, सामने क्या एंट्री आएगा, सामने वो क्या एंट्री, सुमित क्या एंट्री मारेगा, ड्रॉवी क्या एंट्री मारेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री मारेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ओके ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3000। ओके, हैव यू अंडरस्टूड भाई? चलो प्लीज आगे। दूसरा एंट्री उसने इंडोर्स किया, इंडोर्स किया ना, किसको इंडोर्स किया, शाम को इंडोर्स किया, तारीख वही आएगी 10 जुलाई, शाम अकाउंट डेबिट 3000 टू बिल्स, इंडोर्स ही अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ना, जिस इंसान को बिल दिया उसको इंडोर्स ही बोलेंगे, इसलिए इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी कौन है भाई, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और सामने मैं इस बिल का कुछ भी करूं, ड्रॉवी क्यों एंट्री मारने लगा भाई, ड्रॉवी कुछ एंट्री नहीं मारेगा, ड्रॉवी तो, ड्रॉवी को तो क्या लेना देना है, ड्रॉवी को कुछ लेना देना नहीं है। ओके,
ओके प्लीज। और आगे ड्यू डेट आया सितंबर 13, वो कैलकुलेट करना है, सितंबर 13 कैलकुलेट करना है कैसे, 10 जुलाई से उसने बोला है 10 जुलाई, ओके 10 जुलाई के बाद मेरे को बोले भाई बोलो तो भाई बिल कितने मंथ का था, राम ब्रोज और रहीम 2 मंथ ना, 10 जुलाई के बाद कैलकुलेट करो तो ड्यू डेट क्या आएगा, प्लीज कैलकुलेट करो ड्यू डेट क्या आएगा, कैलकुलेट करो। प्लीज ड्यू डेट करो, मेरे को कैलकुलेट करके बोलो भाई चैट में कोई, मैं एक मिनट चैट में देखता हूँ, एक मिनट सॉरी 13 सितंबर आएगा, ओके सो यहाँ पे नो एंट्री आएगा और यहाँ पे एक ही एंट्री आएगा, ये तो अपने को पता ही है। ड्यू डेट के दिन राम सर इसके पास जाएंगे, सुमित के पास, तो ड्यू डेट के दिन इसका एंट्री आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट है विद टू कैश बैंक 3000, ओके बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये स्टार्टअप है इसलिए दो दो तीन तीन एंट्री है, फिर आगे कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन चालू हो गए, बट अभी इसमें अपने को सीख जाना है सब चीज, इसमें अपने को सीख जाना है, ओके सब चीज। ये भाई क्या ये नेट प्रैक्टिस है, क्रिकेट में पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है, ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस, ओके प्लीज। तो फोर्थ क्वेश्चन करें हम लोग, प्लीज वी आर डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। टीना रिसीव्ड अ बिल ऑन 1/7/2013 एक्सेप्टेड बाय मुनीम, प्लीज प्लीज इसमें तो बोला ही नहीं सर, पहले तीन क्वेश्चन में तो बोला था। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ज्योति ड्रेव्स बिल ऑन प्रकाश, पता चल गया ज्योति ड्रोवर है। माइकल ड्रोज अ बिल ऑन जैक्सन, दूसरे में सर पता चला माइकल ड्रोवर है क्योंकि माइकल ने ड्रॉ किया। तीसरा राम ड्रोज ऑन रहीम, सर पता चला राम ने ड्रॉ किया, सर पहले में बोला ज्योति ने ड्रॉ किया, दूसरे में बोला माइकल ने ड्रॉ किया, तीसरे में बोला राम ने ड्रॉ किया, तो मेरे को पता चला कि जो इंसान ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर है, मगर सर इसमें तो वर्ड दिया ही नहीं है ऐसा कुछ, इसमें तो सर क्या बोलता है, टीना रिसीव्ड अ बिल ऑन 1/7/2013 एक्सेप्टेड बाय मुनीम, सर इसमें तो बोला ही नहीं किसने ड्रॉ किया,
भाई ठीक है, इसमें उसने उल्टे कान पकड़वाए। देखो जैसे बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर होता है, उसी तरह बिल एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी होता है। जो इंसान है वो ड्रॉवी होता है। तो इसीलिए टीना रिसीव्ड अ बिल एक्सेप्टेड बाय मुनीम, मुनीम ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड। तो मुनीम कौन हो गया? ड्रॉवी। और मुनीम जैसे ही ड्रॉवी हुआ, टीना कौन हो गई? ड्रॉवर। टीना ड्रॉवर, मुनीम ड्रॉवी, क्योंकि मुनीम ने एक्सेप्ट किया। ओके, फॉर वन मंथ रुपीज 10,000 वन मंथ। 3 जुलाई 2013 टीना सेंट अ बिल टू हर बैंकर फॉर कलेक्शन। टीना ने ये बिल किधर भेजा? बैंक को भेजा कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, कि जाओ भाई पैसा लेके आओ उससे, वो देगी तो। ओके, एंड ऑन 5th August बैंक सेड एडवाइस टू टीना दैट द बिल्स ड्यूली ऑनर्ड बाय मुनीम एंड बैंक चार्जेस ₹20। बैंक सेंड एडवाइस का मतलब क्या होता है मालूम है? बैंक एक स्टेटमेंट भेजती है, उसको बैंक एडवाइस बोलते हैं। एडवाइस मतलब हम लोग जो एक दूसरे को एडवाइस देते हैं फुकट का, वो नहीं। बैंक एक स्टेटमेंट देती है कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा आ गया है, प्लीज। वो स्टेटमेंट को, वो कागज के टुकड़े को बोलेगी एडवाइस। आपको समझ गया भाई? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टीना एंड मुनीम, मतलब दोनों के बुक में अपने को जर्नल एंट्री मारनी है। ओके प्लीज, एक बार प्लीज पढ़ लो, मैं आंसर शेयर करता हूं। ओके, मैं आंसर शेयर कर रहा हूं प्लीज। प्लीज पहला ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का तो अभी आपको ही आना चाहिए। पहले ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का देखो, टीना और मुनीम दोनों भी है इन द बुक्स ऑफ टीना। सॉरी एक मिनट, इन द बुक्स ऑफ टीना, इन द बुक्स ऑफ मुनीम। ओके, इन द बुक्स ऑफ मुनीम, टीना और मुनीम। ओके चलो, एंट्री इन द बुक्स ऑफ टीना, इन द बुक्स ऑफ मुनीम। ओके प्लीज ध्यान दो, पहला ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुनीम, मतलब ड्रॉवी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। पहले क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी कौन है? मुनीम, सामने ही लिखा है बेटा। और ये क्या एंट्री मारेगा? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ड्रॉवर कौन है? टीना। टीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। प्लीज आपको समझा क्या? चैट बॉक्स में हाँ या ना लिखो प्लीज।
प्लीज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. ओके बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. ओके बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. टू बिल्स रिसीवेबल गया ना. और ये तो नो एंट्री अपना बात हुआ ही है. नो एंट्री. ओके नो एंट्री कुछ भी करूं मैं बिल का ये नो एंट्री करेगा. प्लीज आगे. अब ड्यू डेट के दिन ये बिल ऑनर्ड हुआ. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 9,980. बैंक चार्जेस 20 रुपया. टू बैंक फॉर कलेक्शन 1,000. बीइंग बिल ऑनर्ड. और सामने ये तो एक ही एंट्री मारेगा ना. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. 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 और सामने ये एक ही एंट्री मारेगा. ओके और ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. ओके प्लीज अब एक एक्सरसाइज मेरी तरफ से प्लीज करना. ये चारों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना भाई प्लीज. ये चैप्टर का ये बेस्ड है. ओके अरे यार ये चैप्टर का बेस्ड है. प्लीज ये नहीं समझेगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा. तो प्लीज ये चारों क्वेश्चन आपके पास है इसको एक बार कोशिश करना. चारों क्वेश्चन को खुद से पहले वो 6 एंट्रियां पढ़ लो प्लीज प्लीज. ओके बहुत ही अच्छा बेस्ड है ये 6 एंट्रियां पक्की हो गई. लॉजिक समझ लो कि क्या हो रहा है. बिल बनने के बाद 4 ऑप्शन है. पहला मैं घर पे जाके रख सकता हूँ, दूसरा ये कर सकता हूँ, तीसरा ये कर सकता हूँ, चौथा ये कर सकता हूँ. तो प्लीज ये लॉजिक समझ लो. वो लॉजिक समझने के बाद ओके वो लॉजिक समझने के बाद एंट्रिया पढ़ो. ओके प्लीज एंट्रिया पढ़ो और फिर ये 4 क्वेश्चन एक बार रिवाइज करो प्लीज. रिक्वेस्ट है. ओके सो वो 4 क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो ही आगे समझेगा, वरना प्लीज आगे नहीं समझेगा. तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये प्लीज कर देना. ओके सो भाई यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ लेक्चर को. ओके आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग इज फाइन. प्लीज टेक केयर. ओके बाय.